हेलो गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। हम अब आते हैं 2.3 पे। 2.3 में हमें जनरली जो क्वेश्चन है वो कहला है कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन हमें क्या करना है, डिवाइड करना। जैसे पहला क्वेश्चन के तीन क्वेश्चन है कि उसमें कहा है कि एक POS से आपको GOX को डिवाइड करना है। तो आप बिल्कुल डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है। जैसे हम जैसे नॉर्मली जो नंबर्स का डिवाइड होता है वही आपका पॉलिनोमियल्स का डिवाइड होता है, और आप यूं चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है मुझे x² माइनस 2 से। x² माइनस 2 से मुझे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है। तो देखिएगा, आपको डिवाइड करने में ध्यान क्या रखना है, ये ज़रा ध्यान से सोचिएगा। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो वो कोई भी डिवाइड, चाहे वो कोई सा भी डिवाइड क्यों ना हो, आप आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट नंबर से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ x² और यहाँ पे क्या लिखा है x³, बस इसको डिवाइड कर लो आप। तो x³ को मैं x² से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, डिवाइड एंड पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस। तो क्या बचेगा, x की पावर पर, मतलब क्या बचा, सिर्फ x। तो जितनी बार गए यहाँ लिख दो, ठीक है। आपने x³ डिवाइड किया तो कितनी बार गया, x टाइम, तो यहाँ पे ये x³ आ गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब आपको जो लास्ट जो लिखे रहते हैं बाकी उनका यहाँ मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। तो माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, माइनस 2x। आप ध्यान रखिएगा पावर के नीचे पावर लिखें, क्योंकि आपको पता है कि एलजेब्रिक फॉर्म में सिर्फ इक्वल पावर वाली आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं। तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन चेंज हो जाते हैं, साइन ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 प्लस 2 तो प्लस 7x और माइनस 3, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, पहला और पहला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 3x² से डिवाइड करना है मेरे को x², तो x² से x² कैंसिल, क्या बचा, माइनस 3। तो माइनस 3 यहाँ लिख देंगे तो जाएगा माइनस का 3x², फिर वही इसका ऐसे मल्टीप्लाई 3 2 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल, ये 7x बचा और ये माइनस का 9। तो देखिएगा यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है, और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो इसलिए अभी छोटा है तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये रिमाइंडर, ये आपका कॉशन हो गया, ठीक है। इतनी बार गए आपको, ये दिस इज दी आंसर। तो सिंपल डिवाइड में हमने कुछ भी नहीं करा, बस आपको पहले पहले नंबर से मतलब होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका लिखा है x² प्लस 1 माइनस x का हमें ये डिवाइड करना है। तो देखिएगा जब भी आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो हाइएस्ट पावर वाला बंदा होता ना वो सबसे पहले होना चाहिए, बाकी कोई भी किधर भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप चाहें तो इसको जमा सकते हैं, पहले हाइएस्ट पावर फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x² लिखा और यहाँ पे x⁴, तो वही यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x² डिवाइड करेंगे कितना बचेगा x², तो ये x² आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे x⁴। अब आपको क्या करना है, जो बच्चे हुए तो उनके इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 1 × x² तो ये हो जाएगा प्लस का x² और ये माइनस x³। अब देखिएगा जगह हमारे पास कहीं है ही नहीं है, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं यहीं लिख देता हूँ माइनस का x³, साइन चेंज करें, माइनस माइनस रे प्लस, ये कैंसिल हो गया। पहले मैं x³ को लिख देता हूँ, तो ये प्लस का x³ ऐसा का ऐसा ही रहा, क्योंकि कोई फर्क है ही नहीं उसका कुछ, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस का 4x², हमेशा ध्यान रखिए जो साइन चेंज हो जाते हैं ना फिर वही उनके ओरिजिनल साइन होते हैं, ये आपको हो जाएगा प्लस का 4x प्लस 5। अब बस पहला और पहला आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे x³ को डिवाइड करना है x² से, कितना चाहिए, सिर्फ x, प्लस का x हो गया, तो x³। अब इसके इसमें करेंगे तो 1 × x, x माइनस × x तो माइनस का x², ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल, माइनस और ये प्लस, ये वाला साइन मानेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x² और ये आपका प्लस और माइनस तो माइनस का 3x प्लस 5, ठीक है। अभी पहला पहला, तो माइनस का 3x² और ये x² कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3x² इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 × −3 माइनस 3, माइनस एक्स प्लस 3 तो प्लस 3x, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6x और प्लस 3 8 हो जाएगा,
सो दिस इज द योर आंसर, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप भले से यहाँ पे 100 भी अगर होंगे तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या लेना देना है, पहले पहले से लेना देना होता है, फर्स्ट टर्म से आपको लेना देना है, बाकी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये आया समझ में। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता ही देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, ये आ गया हो समझ में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और मैंने आपको बोला था कि पहले आप बड़ी पावर को लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले जाएगा और प्लस 2 बाद में आएगा, बस पहले पहले से मतलब है। तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या बच रहा है, माइनस का साइन भी, तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 2, तो माइनस का 2x स्क्वायर, या माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर लिख देंगे, कोई चेंज होना ही नहीं है, सिंपल। अब फिर से वही 2x स्क्वायर और अपॉन में माइनस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस का 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4, ये माइनस ए प्लस, ये कैंसिल, माइनस 5x प्लस 10। सो आपका देखिएगा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब ये आपका रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो गाइज इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.3 का, तीनों क्वेश्चन मैंने उसके आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो बंदा कि आपको बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। तो भैया आपने इसने सीधा आपसे इसने ये बोला है कि आप इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करने पर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने पर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, अगर डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो ये इसका पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आता तो नहीं है। जैसे प्रीवियस में भी हमने तीनों क्वेश्चन करे, तीनों का रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ जरूर आया, तो मतलब वो उसके फैक्टर नहीं थे। उसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और नहीं आता तो नहीं है। चलिए करते हैं। तो वही जैसे हम डिवाइड जैसे नॉर्मली करते हैं, तो आप देखेंगे टी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 2t की पावर 4, तो 2t की पावर 4 को डिवाइड करूंगा टी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर आ गया यहाँ पे 2t की पावर 4, इसके से मल्टीप्लाई करें 3 2 6, तो माइनस का 6t स्क्वायर। देखिएगा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर गलती से भी आपने कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर आ गया तो इसलिए ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 3t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस तो बड़ी डिजिट का साइन, माइनस 90 माइनस 12, यहाँ पे 3t क्यूब लिखा है, यहाँ पे टी स्क्वायर तो कितना कम है 3t, तो जाएगा 3t क्यूब, ठीक है, और ये 3 3 9, तो माइनस का 90, तो माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा 4t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कैसे ये होगा, यहाँ पे 4 कम कमी है तो 4 लिख दो यहाँ पे 4t स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 12, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो टी स्क्वायर माइनस 3 है वो इस जो पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल जो इसका फैक्टर है। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, आपको सिर्फ डिवाइड करना है, और अगर आपका डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका फैक्टर है, और नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पर हमें कुछ अलग चीज़ें पूछने को कहा गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर √5/3 एंड −√5/3। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि आपको बाकी के अदर दो जीरोस जो हैं, जो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी 4 है, दो मुझे दिए हुए हैं तो मतलब मेरे को दो ही फाइंड करने हैं। मैंने आपको पहले ही बोला जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, दो जीरोस दिए हैं, रेस्ट ऑफ द फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये दो जीरोस जो गिवन है इनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल बना लेंगे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टर कर देंगे, तो वहां से हमें जो रेस्ट ऑफ द जीरोस बचे वो हमें मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे x = मैं इसको मानूंगा 5/√3, और ये हो जाए, ये भी x की वैल्यू ही होती है, ऑब्वियस सी बात है जीरोस x की वैल्यू होती है कि नहीं होती, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा
और एक कॉस्ट टू में जीरो बचेगा, और यहाँ पे इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फाइव होने एक कॉस्ट टू जीरो। तो आप देखेंगे ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस फाइव पॉइंट रूट थ्री ए, और ये आपका एक्स प्लस रूट फाइव पॉइंट थ्री इक्वल्स टू भी क्या होगा, देखो दोनों जीरो के बराबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कई बार यूज़ होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करना है, तो इसको अपॉन में थ्री लिखा है, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन आ गया जिससे हमें पॉलिनोमियल आ गया, जिससे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड, किससे करूँगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड करूँगा मैं ये पूरा पॉलिनोमियल, थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, और रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा क्योंकि इसके फैक्टर हैं, इसने खुद बोला कि जीरो इसके फैक्टर है, तो आपने गलती नहीं करनी, आपका रिमाइंडर जीरो ही आना है। तो करते हैं सॉल्व, यहाँ पे क्या लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर थ्री तो थ्री एक्स टू दी पावर फोर, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री से थ्री कैंसिल, सब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर फोर, अब इसके से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ए प्लस ये कैंसिल हो गया, ये सिक्स एक्स क्यूब और आपका प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स माइनस फाइव। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स क्यू को डिवाइड करना है मेरे को थ्री एक्स स्क्वायर से, थ्री टू जो सिक्स और एक कम, तो क्या बचेगा आपका ये टू एक्स, तो जाएगा सिक्स एक्स क्यू और ये फाइव टू जो टेन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस कैंसिल कैंसिल, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव तो थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर तो वन ही बचा, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर और ये माइनस फाइव इंटू फाइव ये फाइव ही बचेगा, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर क्या आ गया जीरो। दैट मीन्स इसका रिमाइंडर तो था ही था, तो ये हो गया। अब आपका डिवाइड, तो हमें रेस्ट ऑफ दी जो रिमेनिंग जीरोज हैं वो निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया ना इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमें जो रिमाइंड जो बाकी के बचे हुए जीरोज हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं उसको क्वेश्चन निकाल देता हूँ। तो हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का बराबर जीरो, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए वन इंटू वन ही आना चाहिए, और एड एस रिटर्न तो वन मल्टीप्लाई करने में कब आता है वन इंटू वन ही होता है, तो एक्स तो एक्स प्लस एक्स वन नहीं लिखता, हमेशा ध्यान रखिएगा पहले दो से कॉमन आखिरी दो से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो वन लिख दो एक्स प्लस वन। तो ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वल हैं तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स क्वेश्चन होगा माइनस वन और एक्स क्वेश्चन हो जाएगा माइनस वन, तो ये आपके रिमेनिंग जीरोज होगा माइनस वन माइनस वन। इसी के साथ आपका ये 2.3 जो चैप्टर था इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होगा, और आपका जो सेकेंड चैप्टर था जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स ये भी आपका फिनिश होता है। तो होप यू गाइस आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करिएगा, तो मैं उस क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके वीडियो बनाकर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और हाँ अगर कोई भी तरह की परेशानी आपको आती है चाहे वो फिजिक्स रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस कोई भी आपका 10 12 11 स्पोकन इंग्लिश कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपकी बाकायदा कमेंट पढ़ी जाती हैं और उन कमेंट का हम बाकायदा हर चीज़ को सॉल्व करने का पूरी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।